तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप पेटीएम में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो भी सिर्फ आधार कार्ड के मदद से, तो आधार कार्ड से पेटीएम में नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास यहाँ पर खुद का उनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, जिनके पास से वो पेटीएम अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, सिर्फ अपना आधार कार्ड से पेटीएम में नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, साथ ही यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है, सारा कुछ प्रोसेस आपको वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बात कीजिए दोस्तों, तो सिर्फ आधार कार्ड से आप भी पेटीएम में नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बगल में बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि पेटीएम को आपको सबसे पहले अपडेट करना है दोस्तों। तो जो भी आपका पुराना पेटीएम है उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसको सिंपली से अनइंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली से यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको पेटीएम का अपडेटेड वर्जन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे दोस्तों मेरे रेफरल लिंक से डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पर 100 रुपीज आपको इंस्टेंट आपको कैशबैक आपको मिल जाएगा दोस्तों, आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो सिंपली से लिंक पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपका पेटीएम एप्लीकेशन वो डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर लेकर चला जाएगा। सिंपली से आपको इस पेटीएम एप्लीकेशन को लिंक के थ्रू यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना पेटीएम ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। क्रिएट इन न्यू अकाउंट दोस्तों, यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होगा उस रजिस्टर मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए मैं फटाफट से अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली से आपको अगर टिक नहीं होगा टिक पर क्लिक करना और प्रोसीड सिक्योरली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा, आपसे यहाँ पर परमिशन मांगा, सिंपली से आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों फिर से आपको परमिशन देना, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों फिर से आपको परमिशन मांगा, अलाउ कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा दोस्तों, उस पर एक ओटीपी जाएगा। सिंपली से ओटीपी को यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक से यह वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन हुआ और यहाँ पर पेटीएम अकाउंट में यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। पेटीएम में आधार कार्ड से चलाना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो दोस्तों। तो आपको उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना। सबसे पहले आपको उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली से आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपको सिंपली से नीचे स्क्रॉल कर देना दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यूपीआई पेमेंट सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है, जहाँ पर ऐड अनदर बैंक अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा तो सिर्फ ऐड बैंक अकाउंट को शो हो जाएगा। सिंपली से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे बैंक अकाउंट आपको शो हो जाएंगे, जो जिसमें आप अकाउंट अगर आपका ओपन है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना। अगर आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा दोस्तों, सिंपली से आपको सर्च पर क्लिक करना, आपको उस बैंक को यहाँ पर टाइप करना। जैसे नेम यहाँ पर मैं टाइप करूँ कैनरा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर कैनरा टाइप कर रहा हूँ देख सकते हो, तो कैनरा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप टाइप करके यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना, अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको आधार कार्ड से अगर आप पेटीएम अकाउंट को चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक है और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर से लिंक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मेरा पीएनबी में अकाउंट यहाँ पर अकाउंट है, मैं सिंपली से यहाँ पर पीएनबी अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर बैंक लिंक सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि आपको इस पर सिलेक्ट कर देना, आपको ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, रिमूव अकाउंट, चेंज पिन और चेक बैलेंस। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर बैंक अकाउंट को लॉग इन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका जो चेंज पिन वाला जो ऑप्शन आपको दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेट पिन का ऑप्शन देगा। तो आपको सिंपली से फर्स्ट जो न्यू यूजर हो उनको सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चेंज यूपीआई पिन फॉर पंजाब नेशनल बैंक, यानी जो भी आपका बैंक होगा इसका नाम आ जाएगा। यूपीआई पिन आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेट यूपीआई पिन फॉर पंजाब नेशनल बैंक आपको फर्स्ट टाइम में शो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे आधार कार्ड से करना है तो सिंपली से यहाँ पर यूजर आधार कार्ड पर सिलेक्ट करना, क्लिक पर क्लिक करना और यहाँ पर प्रोसीड जो ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे आपसे पूछा जाएगा इंटर फर्स्ट सिक्स डिजिट ऑफ योर आधार नंबर, आधार नंबर का आपको फर्स्ट सिक्स डिजिट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर आप यूपीआई पिन सेट करना चाहते तो आधार कार्ड का आपको फर्स्ट डिजिट आपको यहाँ पर डालना। चलिए मैं फटाफट से आधार कार्ड का फर्स्ट डिजिट यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
दोस्तों फिर आपका यहाँ पर आधार की तरफ से यहाँ पर एक OTP रिसीव होगा, जो कि आप इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक से यहाँ पर रिसीव हुआ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बैंक का जो OTP ऑटोमेटिक से यहाँ पर वेरीफाई हो चुका, फिर से आपको टिक पर क्लिक करना। अब आपको यहाँ पर UPI पिन सेट करना है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से 6 डिजिट का UPI पिन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर सिंपली से क्लिक करना है और आपको सेम UPI पिन को यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली से टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो तो सेटिंग और UPI पिन यहाँ पर सक्सेसफुली, यहाँ पर जो आपका UPI पिन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर UPI पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर पेटीएम के माध्यम से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जहाँ पर दोस्तों UPI मनी ट्रांसफर का सेक्शन दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पर स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, मोबाइल नंबर के माध्यम से करना चाहते हो, UPI ऐप्स पर करना चाहते हो जैसे गूगल पे, फोनपे, भीम एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट पर करना चाहते हो, सारा कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर साथ ही यहाँ पर दोस्तों रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, लोन और क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आप ले सकते हो। साथ ही यहाँ पर कुछ चीज़ आप टिकट बुकिंग कर सकते हो, बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का, सारा कुछ यहाँ पर मूवी टिकट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बेनिफिट मिलते हैं अगर आप पेटीएम में नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हो दोस्तों। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे में वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कमाल की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए बाय बाय, टेक केयर।